हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जय श्री किचन कुकिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं कटहल का अचार बनाने जा रही हूँ, वो भी बिहारी स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 किलो कटहल लिया है और 1/2 केजी आम। तो देखिए, पहले से ही मैंने कटहल छील के रख लिया है। तो देखिए, मैंने कुछ तेल ले लिया प्लेट में, अपने हाथों में लगा कर कटहल को काट रही हूँ, ताकि कटहल का जो लस्सा है वो हाथ में लगे नहीं, चिपके नहीं। तो ये देखिए, छोटा छोटा पीस मैंने इसे काट लिया है। मैं काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसी स्टाइल में मुझे काटना है। अगर आप चाहे तो बड़ा या छोटा कोई भी स्टाइल इससे दे सकते हैं। तो ये देखिए, सभी कटहल को मैं इस तरह काट लूँगी। अब यहाँ मैंने आम का छिलका उतार रही हूँ। सभी आम के छिलके को मैं छील कर इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। अगर आप चाहे तो नींबू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ आम का यूज किया है। तो आम को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। इसी तरह सभी आम को मैं इसी तरह काट लूँगी। मैं यहाँ 3 केजी कटहल में 1/2 केजी आम का प्रयोग की हूँ। तो देखिए, इसी तरह सभी आम को मैंने काट लिया है। अब इसे एक जार में मैं इसे पीस के तैयार कर लूँगी। तो देखिए, पीस के तैयार है ये आम का, कच्चा आम का पेस्ट। अब चलिए कटहल की ओर। ये देखिए, इस कटहल में मुझे क्या सब मिलाना है। यहाँ देखिए, अभी जो मुझे कटहल मिलाना है वो देख लीजिए मसाला। तो देखिए, ये कलौंजी या मंगरेल, इसे मैंने पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया था कढ़ाई में। और ये अजवाइन, और ये रहा सौंफ। ये रहा स्वाद अनुसार नमक। यहाँ हल्दी। अब इन सभी चीजों को मुझे कटहल में मिलाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ नमक डाल दिया है, स्वाद के अनुसार डालिए। वैसे कटहल के अचार में, कोई भी अचार में नमक का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, इससे कटहल या कोई भी अचार खराब नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, मैं हल्दी का प्रयोग कर रही हूँ। अब ये भूंजा हुआ जो मंगरेल है वो मैं इसे इसमें डाल रही हूँ। अजवाइन को मैं हथेली पर क्रश करके इसमें डाल रही हूँ। और ये सौंफ भी मैं यहाँ डाल रही हूँ, 2 या 3 चम्मच। अब मैं आम का पेस्ट इसमें डालूँगी। अब मैं यहाँ कलची से मिला रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से मिलाना है। अगर कलची से नहीं मिल रहा है तो इसे उठा उठा के मिलाइए, टब को उठा के, और तले वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला तले चल जाएगा। यहाँ मैंने अचार को अच्छे से मिला दिया है। अब एक सूती वाला कपड़ा से इसे ढक कर रात भर के लिए मैं रख दूँगी। तो ये देखिए, मैं इसे धूप में रख रही हूँ और फिर से इसे मिला रही हूँ।
और बीच बीच में से मिलाते रहना है और धूप लगाना है। आज तीसरा दिन है, अचार में जो मसाला मुझे मिलाना है वो देखिए इस प्रकार है। यहाँ मैंने गोलकी या मरीच लिया है और ये जीरा मैंने कुछ लिया है, मेथी, मेथी का भी प्रयोग करना है और ये सूखा मिर्च और ये जो है लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये पीला वाला सरसों, उसे मुझे दरदरा पीस लेना है और ये हींग। अब इन सभी चीज़ों को देखिए मैं फ्राई करूँगी और यहाँ देखिए मैंने 1 से 1.5 किलो सरसों का तेल दिया है, इसे भी मैं गुनगुना कर लूँगी। यहाँ मैं गैस ऑन करके तेल वाला बर्तन चढ़ा दी हूँ गुनगुना होने तक। ये देखिए तेल गर्म हो चुके हैं, अब मैं इसे उतार लूँगी। अब कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब इसमें सभी मसाले को भूनना है। अब देखिए मैं यहाँ सूखी मिर्च को भूनूंगी, थोड़ी देर तक इसे भूनना है। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल रही हूँ। इसी तरह मैं सभी मसाले को भून के तैयार कर रही हूँ, वो आप देखिए। ये यहाँ मैंने जीरा लिया है, जीरा को भी मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसे भी मैं एक कटोरी में निकाल रही हूँ। फिर ये गोलकी जो है मरीच, इसे भी थोड़ा सा मैं गर्म कर रही हूँ। देखिए ये भी गर्म हो चुके हैं, अब इसे भी मैं निकाल रही हूँ। ये जो है मेथी, इसे भी मैं थोड़ा, जीरा और गोलकी सबसे थोड़ा ज़्यादा इसे मुझे भूनना है। इसका सेंट जो है वो अचार में, अचार के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये मेथी के दाने भुना हुआ अचार में खुशबू लाता है। अब देखिए यहाँ जो सरसों, पीला सरसों, इसे हल्का सा, एकदम थोड़ा सा लगाना है ताकि ये दरदरा होने में सुविधा हो। अगर आप चाहे तो इसे नहीं भी भूनेंगी, 2 घंटा धूप लगा के भी इसे दरदरा पीस सकते हैं। अब इसे भी मैं निकाल रही हूँ एक कटोरी में, गैस को बंद कर दी हूँ। तो ये देखिए सभी मसाले भून के तैयार हैं, सिर्फ लाल मिर्च पाउडर छोड़कर, और तेल भी गर्म हो चुके हैं। ये देखिए मैंने सभी मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। अब चलिए अचार के तरफ। यहाँ देखिए ये कॉटन वाला जो कपड़ा है उसे मैं साइड कर रही हूँ और फिर से इसे चला रही हूँ, अचार को मैं ठीक से मिला रही हूँ। अब मैं इसमें मसाले डालूँगी, ये गोलकी और ये जीरा के पाउडर, ये मेथी के पाउडर, ये मिर्ची, कूटा हुआ मिर्ची का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये सरसों का पेस्ट दरदरा पिसा हुआ, वो भी मुझे इसमें मिलाना है। यहाँ मैंने हींग का प्रयोग किया है, हींग डालने से अचार में स्वाद आता है, अचार ख़राब नहीं होता है। ये देखिए तेल ठंडा हो गया है, आधा तेल मैं इसमें डाल रही हूँ अभी और बाकी तेल जो बचेगा वो मैं बाद में डालूँगी। अब मैं इसे मिला रही हूँ। अब इसे 2 दिन तक धूप में रखना है और बीच बीच में मिलाते रहना है। अब देखिए धूप लग चुका है और अचार भी बन के तैयार है। अब मैं इसे
जार में रखूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ जार शीशा वाला जार ले लिया है। ध्यान रहे प्लास्टिक वाला डब्बा में नहीं रखना है क्योंकि अचार उसमें ख़राब होने का चांस रहता है, इसीलिए जब भी अचार बनाए तो शीशा वाला जार में ही रखे। तो ये देखिए जार में मैंने अचार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर से तेल डालूंगी, जो बाकी बचा हुआ सरसों तेल था वो मैं इसमें जार में डाल रही हूँ, क्योंकि तेल डालने से अचार पक जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तो लीजिए बिहारी स्टाइल कटहल का अचार बनके तैयार है। इसे आप बीच बीच में धूप लगाते रहे और खाते रहे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।